उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल पूरा होने के 6 माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं नोटिस का 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट और अवमानना नोटिस पर भाजपा का कहना है कि न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और हम न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला ने कहा कि आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से हों उस पर सरकार काम कर रही है और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव कराने में हुई देरी के कारण न्यायालय को अवगत कराने का काम किया जाएगा और जो चीज न्यायालय ने मांगी है उन्हें उससे भी अवगत कराया जाएगा। निश्चित रूप से न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और हम तो न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से अच्छे ढंग से उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और मैं कह सकता हूँ कि जो हमने जो रीजन्स रहे हैं या जो रीजन्स हैं उनको भी उन रीजनों से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव कराने को लेकर के कटिबद्ध है और समय पर जिस प्रकार से क्योंकि नगर निकाय के चुनाव हैं और बहुत सारे हमारे जो हैं जो गणनाएँ होती हैं, जो हमारी सीट्स होती हैं, कहाँ रिजर्वेशन होना है, कहाँ किस मेयर की सीट पर रिजर्वेशन देना है, कहाँ नगर पालिकाओं की सीट पर रिजर्वेशन देना है, नगर पंचायत पर रिजर्वेशन देना है, कहाँ पर OBCs के लिए सीटें जो है आरक्षित की जाएंगी, इन सब चीज़ों पर मंथन चल रहा है। आने वाले समय पर जल्दी हम इस पर भी चुनाव में जाएंगे और न्यायालय को जो जो चीजें न्यायालय ने मांगी है उनको उससे भी अवगत कराएंगे। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।